नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम विज्ञान के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि अभी लोको पायलट की एग्जाम होने वाली, उसमें विज्ञान पूछी जाती है। कोई भी एग्जाम हो उसमें लगभग विज्ञान तो आती है। हम आज सौरमंडल के बारे में बात करेंगे कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, उन ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं और कौन से उपग्रह का उपनाम है। ठीक है, पृथ्वी के निकट कौन सा है, सूर्य के निकट कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, नीला ग्रह कौन सा है, ये सारी बात हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, टॉपिक पूरा आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो हम बात करते हैं सौरमंडल की। बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का यानी जो आपका सौरमंडल है उसका एकमात्र ऊर्जा का स्रोत, आप जानते हो ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सूर्य। अब बात करते हैं ग्रहों की बात, तो आपको पता है कि ग्रह है वो आठ है, आठ ग्रह हैं, जिनमें चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह माना गया है और चार को भारी यानी भारी ग्रह माना गया। अब वो कौन से, तो आंतरिक है कौन से भारी है, देखें ये मान लेते हैं सूर्य, ये आपका सूर्य, सूर्य के जस्ट पास यहां पर आता है बुध ग्रह, ये है बुध, बुध के तुरंत बाद यहां पर ग्रह हैं शुक्र ग्रह, ठीक है, उसके यहां पर आती है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, पृथ्वी के तुरंत बाद है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के तुरंत बाद है बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के तुरंत बाद आता है यहां पर शनि ग्रह, शनि के बाद यहां पर है अरुण और लास्ट यहां पर बचेगा ये सूर्य है। सूर्य के ये सारे चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं सूर्य के बाहर इस तरीके से, ठीक है। अब इनके की चर्चा करते हैं। अब आपको पूछा जाए कि सूर्य के निकट एक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के निकट एक ग्रह है बुध ग्रह, सबसे निकट है बुध ग्रह। अब देखो आंतरिक ग्रह, ये जो यहां से ये जो चार ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। सूर्य के जो चार निकट हैं बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, वो है आंतरिक ग्रह, जो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं आंतरिक ग्रह, ठीक है। और कुल ग्रह कितने हैं, कुल है आठ, आंतरिक ग्रह चार हो गए और चार हो गए बाह्य ग्रह, ठीक है, या बाहरी ग्रह, और ये भी कितने चार, बृहस्पति शनि अरुण और एक वरुण। तो सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह, पर बात की जाएगी सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह है। तो ये तो है दूरी के, दूरी से बुध ग्रह सबसे निकट, उसके बाद आता है शुक्र ग्रह, उसके बाद आता है पृथ्वी दूरी के हिसाब से सूर्य के, फिर आता है मंगल दूरी के, पांचवें नंबर पर आता है बृहस्पति, छठे पर आता है शनि, सातवें पर आता है अरुण और आठवें पर आता है वरुण, ये है दूरी के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे निकट कौन सा है, बुध है, और सबसे दूर के वरुण ग्रह है, वो सूर्य से सबसे दूर ग्रह माना जाता है। अब बात करें आकार की दृष्टि, आकार की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा है, एक नंबर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात की जाए कि बृहस्पति से छोटा, तो बृहस्पति से छोटा है ये दो नंबर लो, एक दो, बाहरी ग्रहों में जाओगे आप बाहरी ग्रह, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके तुरंत बाद है शनि ग्रह, वो से गए छोटा है, शनि ग्रह के बाद तीन नंबर पर है अरुण ग्रह, तो सबसे बड़ा उससे छोटा तीन नंबर पर आ गया अरुण, चार नंबर पर है वरुण, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद बात करें पांच नंबर पर कौन सी है, पृथ्वी, छह पर है शुक्र, सातवां नंबर है मंगल का और आठवां है बुध का, हो गया। तो एक नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा, बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण,
पांच नंबर पर आती है पृथ्वी, छह पर आता है शुक्र ग्रह, सातवें पर आता है मंगल और आठवें पर आता है बुध ग्रह। अब देखो यहाँ पर सबसे आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है और सबसे छोटा भी है और सबसे निकट भी है किसके, सूर्य के। तो दोनों कंडीशन इसी में सबसे छोटा और सबसे निकट, तो ये बुध ग्रह। अब बात करें इनके उपग्रहों की बात, उपग्रह सभी उपग्रह की बात करें तो सबसे पहले ले बुध को, यानी जो बुध ग्रह है उसमें कोई उपग्रह है ही नहीं, इसमें कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद ले दो नंबर है शुक्र ग्रह, इसमें भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ये दो ऐसे उपग्रह ग्रह हैं जिनमें उपग्रह नहीं है। अब बात करें पृथ्वी, पृथ्वी में एक, पृथ्वी में कितना उपग्रह, एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, एक उपग्रह किसमें, पृथ्वी में। उसके बाद करें मंगल ग्रह की बात, तो मंगल ग्रह में उपग्रह कितने हैं, दो उपग्रह, ये मंगल में दो उपग्रह, पृथ्वी में एक उपग्रह। उसके बाद करें बृहस्पति ग्रह के, तो ये सबसे ज्यादा ऐसे उपग्रह और वो हैं 67 उपग्रह, कितने उपग्रह इसमें, 67 उपग्रह। उसके बाद करें शनि की बात, शनि में है 62 उपग्रह, कितने हैं 62 उपग्रह हैं। उसके बाद करें अरुण की बात करें तो इसमें है 17 उपग्रह, कितने 17, और वरुण की बात करें तो इसमें 14 उपग्रह हो गए। बुध में कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह में भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी में एक है जो चंद्रमा, मंगल में है 2, बृहस्पति में 67 है, शनि में 62 है, अरुण में है 17 और वरुण में है 14 उपग्रह। तो ये इनके उपग्रहों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये इस हिसाब से आकार की दृष्टि से और दूरी के हिसाब से। अब पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के निकट उपग्रह कौन सा है, ये पृथ्वी, पृथ्वी के निकट एक तो देखो शुक्र ग्रह, दूसरे के मंगल, तो ज्यादा निकट कौन सा है, आपको पता है कि ज्यादा निकट है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के ज्यादा निकट है, और उसके बाद कौन सा है मंगल ग्रह। तो सबसे निकट है पृथ्वी के, सबसे निकट कौन सा है, जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, मंगल ग्रह का है। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बृहस्पति हो गया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, बुध हो गया। और दूरी के हिसाब से सबसे पास कौन सा है, बुध है, और सबसे दूर कौन सा है, वरुण ग्रह, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सूर्य की, ठीक है। तो सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य की बात करें तो सूर्य का व्यास है 13,92,200 किलोमीटर, यह है सूर्य का व्यास। तो सूर्य का व्यास कितना है, क्योंकि इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, सूर्य की चर्चा करेंगे उसके बाद इनके उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यास है सूर्य का व्यास ये है 13,92,200 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बात करें, यानी ये जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है, पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। तो पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि 110 गुना बड़ा है, कौन, सूर्य, किससे, पृथ्वी से। अब बात करें कि सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और उनके प्रतिशत कितनी कितने, तो इसमें दो गैसें प्रमुख है, जैसे एक तो हाइड्रोजन है, दूसरी हीलियम है, उसके अलावा कार्बन और अन्य गैसें भी इसमें पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस की मात्रा इसमें 71% पाई जाती है, किसमें, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 71% पाई जाती है। उसके बाद करें हीलियम, तो हीलियम की मात्रा है वो 26.5% है, वो पाई जाती है, 26.5% इसमें पाई जाती है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है, 26.5% है। उसके बाद ये बात करें
दो गैसें हो गई, तीसरी है कार्बन। कार्बन की मात्रा इसमें 1.5% है और अन्य गैसें, और अन्य गैस है 1%, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य इस प्रकार की गैसें हैं, वो क्या है सूर्य में 1% पाई जाती है। तो ये हो गई इसके गैसों की बातें और व्यास की। उसके बाद करें इसके तापमान की बात। तापमान तो सूर्य का तापमान 1.5×10⁶ डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापमान है आंतरिक तापमान, सूर्य का आंतरिक तापमान। तो सूर्य का आंतरिक तापमान कितना है, 1.6×10⁶ डिग्री सेंटीग्रेड है, वो क्या है इसके आंतरिक तापमान है। अब इसके बाहरी तापमान की बात करें तो वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बाहरी तापमान है। तो सूर्य की आंतरिक तापमान हो गया, ये बाहरी तापमान हो गया। अब सूर्य की बात करें कि किरण की तीव्रता कितनी है, किरण की तीव्रता किसकी, किरण की, सूर्य की किरण की जो तीव्रता है वो है 3×10⁸, ठीक है। तो किरण की तीव्रता कितनी है, 3×10⁸ है। अब ये जो सूर्य की जो किरण है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट और 6.6, ठीक है, लगभग ये सेकंडों में ऊपर है और, ठीक है, तो 8 मिनट लगभग 8 मिनट या उससे थोड़ा ऊपर, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूर्य की किरण को पृथ्वी पर आने में। अभी बात करेंगे मैं, इन दोनों की कोई उपग्रह है नहीं लेकिन इसके उपनाम क्या हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं मैं इन उपग्रहों के बारे में। तो पहला लेते हैं बुध उपग्रह, ठीक है, बुध ग्रह। अब बुध उपग्रह के बारे में चर्चा करें तो ये परिक्रमा, परिक्रमा किसके, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ये ऐसे घूमता है, सूर्य के चारों ओर ऐसे ये घूमता है और परिक्रमा ये करता है 88 दिन में सबसे तेज परिक्रमा करता है ये सूर्य के चारों तरफ। अब बात करें, ये देखो दिन में सबसे गर्म रहता है, यानी ये जो बुध ग्रह है वो दिन में क्या रहता है, सबसे गर्म रहता है। वैसे तो गर्म सूर्य किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, लेकिन ये दिन और रात में गर्म दोनों कंडीशन में रहता है। लेकिन दिन की बात पूछी जाए तो दिन में सबसे गर्म कौन सा ग्रह रहता है, बुध ग्रह रहता है, और रात में ये बर्फीला हो जाता है, रात में ये सबसे ठंडा ग्रह रहता है और दिन में ये क्या रहता है, सबसे गर्म ग्रह रहता है, कौन सा, ये बुध ग्रह। तो बुध ग्रह आप जान गए, 88 दिन में तो क्या करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है किसके, सूर्य के, सबसे गर्म कब है, दिन में, और रात में सबसे क्या रहता है, ये ठंडा ग्रह रहता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, अगला ग्रह लेते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की बात करें तो आपको पता है कि ये ग्रह है, अब बुध ग्रह ऐसे घूम रहा था लेकिन ये एंटीलोक यानी घड़ी की दिशा में ये घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी ये पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरीके से घूमता है, सूर्य के ऐसे चक्कर लगाता है और सारे ग्रह वो ऐसे चक्कर लगाते हैं। एक तो शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह, ये दोनों ग्रह हैं वो घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ठीक है, कौन सी दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं पूर्व से, आप लिख सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से क्या घूमते हैं, पश्चिम दिशा में घूमते हैं, तो शुक्र ग्रह। उसके बाद बात करें इसकी बनावट और आकार,
बनावट और आकार। बनावट और आकार की बात करें तो ये पृथ्वी के समान ही है, इसकी बनावट और आकार है वो पृथ्वी जैसा ही है, ठीक है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, बहन कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो याद रखना कि बनावट और आकार एक जैसा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सबसे गर्म ये ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है, दिन में और रात दोनों कंडीशन में क्या है ये सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद है इसकी बात करेंगे ये परिक्रमा, सूर्य के परिक्रमा, सूर्य के परिक्रमा ये 225 दिन में, यानी आपका एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है सूर्य के बाहर है, ये 225 दिनों में आप एक चक्कर है वो पूरा करता है सूर्य के बाहर से। गैस की बात करें तो इसमें CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, कितनी 97%। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 97% इसके अंदर पाई जाती है। इस ग्रह का नाम एक तो है चमकीला ग्रह, इस ग्रह को क्या कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, और दूसरा सुंदरता की देवी भी कहते हैं, सुंदरता की देवी। किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही सुंदरता की देवी कहा जाता है, चमकीला ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन भी किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, हमें अगला ग्रह लेते हैं पृथ्वी ग्रह, आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह हो गया, पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी तो पृथ्वी आपको पता है कि सूर्य के चारों तरफ है, एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 1/4 दिन लेती है, यानी 365 फिर 1/4 दिन और लेती है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अपने एक्स पर, अपने एक्स पर 23 घंटे 56 मिनट लेती है, पूरे 24 घंटे नहीं लेती है दोस्तों, 56 घंटे और 53 घंटे 23 घंटे और 56 मिनट ये एक अपने एक्स पर पूरा चक्र करती है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि इस पर क्या है 71% पानी पाया जाता है, इस पर 71% क्या है पानी है धरातल पर, इस कारण से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करें कि चंद्रमा, इसका एक उपग्रह भी था, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो इनकी दूरी 400,000 है किलोमीटर लगभग, लगे इसकी दूरी कितनी है 400,000 किलोमीटर लगभग पृथ्वी और चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा था, चंद्रमा था। अब बात करें मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। लाल क्यों दिखाई देता है, कारण क्या है, इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा, आयरन ऑक्साइड अधिक पाए जाने के कारण, आयरन ऑक्साइड अधिक पाए जाने के कारण क्या होता है, मंगल ग्रह वो लाल दिखाई देता है। अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में क्या करता है, अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है, और एक साल यानी एक साल इसकी कब होती है 687 दिन में, 687 दिन होती है, 687 दिनों में क्या करता है ये का सूर्य के बाहर चक्कर लगाता है 687 दिनों में। इसके दो उपग्रह थे, कौन कौन से, एक तो फेबोज और दूसरा है डेमोज, डेमोज डेमोज ये दो इसके क्या उपग्रह, फे
मोल्स और डी मोल्स। उसके बाद करें बृहस्पति ग्रह की बात करें, बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति आपको पता ही है कि सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। और ये 10 घंटे में अपने एक्स पर पूरा चक्कर करता है, यानी 10 घंटे के अंदर अंदर क्या करता है, अपने एक्स पर पूरा एक चक्कर घूम जाता है। उसके बाद इसके तापमान की बात करें, इसका तापमान है वो -130 डिग्री सेंटीग्रेड है, -130 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। और सबसे बड़ा इसका उपग्रह, सबसे बड़ा इसका उपग्रह है गिनी, ठीक है दोस्तों। और 12 वर्ष में सूर्य की तरफ क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, 12 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। उसके बाद करेंगे शनि के अरुण और वरुण के बारे में हमें चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह ज्यादा बात है नहीं, तो वैसे तो दूरी के हिसाब से तो कौन से स्थान पर आता है, ये 1, 2, 3, 4, 5 छठे स्थान पर आता है। आकार की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। और ये इसका जो आकार की बात करें तो ये बुध के समान ही है। इसकी आकार और बनावट वो बुध ग्रह की समान ही है। और इसका एक उपग्रह जिसका नाम है टाइटन, और इसके उपग्रह की हमने बात की थी, इसके उपग्रह कितने थे, 62 उपग्रह थे। उसके बाद हम अरुण की बात करें, अरुण ग्रह भी क्या आता है, 7वें स्थान पर आता है। ये छठे पर क्या, ये 7वें स्थान पर आता है। इसे अरा ग्रह भी कहा जाता है, अरा ग्रह, ज्यादा इसकी कोई है नहीं। और उपग्रह की बात की थी, इसके कितना थे, 17। अब बात करें वरुण की, तो वरुण ग्रह क्या है, सबसे ठंडा शीतल ग्रह। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, शीतल ग्रह है, वरुण ग्रह है। और ये सबसे दूर है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा तो आप हमें जरूर बताएं।